हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। उठ तो हम बहुत पहले गए थे, फिर उठे, फिर सोए, फिर उठे, फिर सोए। तो ये प्रक्रिया अभी तक हमें हमारी चलती रही, जब तक डंडा नहीं आया है। अभी डंडा बोले तो हमारा हेलमेट कहाँ है भाई? ये रहा। तो अभी हम पहले अपना माउंट लगा लें। दो तीन मिनट दीजिए, दो मिनट। योगे हमारा कैमरा रेडी, योगे हम रेडी, हमारा वीडियो कर रहे हैं, हमारा सुबह से बाहर खड़ा इंतजार। चलते हैं एक बार और आपको क्लोज अप व्यू दिखाते हैं। ये देखो जी, ये है सुबह का सीन। ये है कि जी लेक। अभी इसमें बवंडर मचाएंगे, देखेंगे, नहीं तो फिर निकलते हैं। ठीक है जी, चलो टाटा बाय करते हैं रेस्ट हाउस को और निकलते हैं। अबे मैं फंस गया, अबे कोई निकाल लो। ये हैगा जी रास्ता जी, इन्हां विच असीं आए सी। This is gonna be a lean on my side। करते हैं हिसाब किताब, किताब हिसाब। नमस्कार, सुप्रभात। हम है नहीं के ड्यूटी पे भैया जी। कहाँ गए भैया, कहाँ गए? ये है जी हमारी ब्लैक पैंथर सामने, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। और ये हमारी स्नो वाइट आठे खड़ी है। आप निकलते हैं दिल्ली के रास्ते, बीच में जो जो आता रहेगा दिखा करेंगे तो हमें। चलो मिलते हैं, अभी यहाँ से निकलें। चलो दोस्तों, अभी आ गए हैं अपन कहाँ पर, वहाँ से निकल पड़े हैं बाहर। लगाते हैं GPS ऑन अपनी लोकेशन के लिए, यहाँ से चलेंगे घर के लिए सीधा। अभी बीच में कोई हॉल्ट नहीं है, जहाँ गए थोड़ा बहुत पानी वानी, अभी रास्ता देखते हैं यहाँ से, फिर निकलते हैं, कल्टी करते हैं दोनों भाई। अब भाई को पहुँचने टाइम लाइन से पहले, तो इस उनको टाइम से पहुँचाना भी अपनी ड्यूटी है। तो बस रास्ते में थोड़ा ये व्यू दिखाते हुए चलेंगे आपको,
सामने से यहाँ से हमारे दूसरे रास्ते से अभी ज़्यादा दूसरे रास्ते से रहे हैं, जीपीएस लगा दिया है क्योंकि तो सेम रास्ते से जाने का कोई सेंस बनता नहीं है। लो जी जीपीएस हो गया तैयार, अपन चलते हैं घर की ओर। लो जी धूल साफ कर दी, सफाई हो गई, ग्लव्स अभी पहने नहीं है, ग्लव्स को बाद में देखेंगे। चलो या तो शेखर आ गया के यहाँ पीछे पीछे, कल हम इनके मेंटोर से आ रही है, हमारे मेंटोर है क्योंकि भाई को आगे के भागना है, लोकेशन लगा रखी है हमने अपने फोन पे, भाई को एक्सपीरियंस है, चलो पीछे पीछे दौड़ाते हैं इनके पहाड़ों पे। ये थोड़े से ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते हैं तो इनको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बट अवॉइड भी क्या है करें, जब कहते हैं ना आए हैं पहाड़ों पर थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग का भी मजा लेते हैं भाई। और भैया ये निकल पड़े, थोड़ा सा तकलीफ दे होगा रास्ता क्योंकि हमारे अंदर सॉरी हमारे स्नो वाइट थोड़ा सा भी न्यू कमर है फील्ड के अंदर, तो धीरे धीरे स्ट्रगल करेगा तो सीख जाएगा, आते पे तो हमने खूब भचड़ मचाई है, तो जाते पे भी देखते हैं रास्ता कैसा रहेगा, थोड़ा सा सही रास्ता मिलेगा तो अपन स्पीड पकड़ देंगे, तो अभी आराम आराम से चलते हैं पहाड़ों से। आई थिंक यहाँ से आगे नीचे ना उतरान होगा, उतरान बोले तो ढलाई, जितनी पहाड़ों की चढ़ाई कठिनाई होती है ना उससे भी ज़्यादा थोड़ी सी मतलब उससे भी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है उतराई के लिए, क्योंकि उस टाइम पे तो क्या होता है आपका वेट और गाड़ी का वेट थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। बस यहाँ से स्पीड पकड़ेंगे और पहुँचते हैं, भगाते हैं थोड़ा सा और टाइम करते हैं इसको, टाइम रैप क्या बोलते हैं, फटाफट। जी अपन आ गए हैं पहाड़ों पे,
यहाँ भी क्या है कि बस रास्ता थोड़े सब साफ हुए हैं और लग रहा है कि बस थोड़ा ज्यादा बस ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा दूर ना भी हो, रास्ते बढ़िया हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फिर थोड़ी सी कहते हैं ना ज्यादा सवाल की गाड़ी चलानी पड़ती पड़ती है। लेकिन फिर भी सलाह दी जाती है सभी प्यारे लोगों को कि कृपया आंखें खुली करके और दिमाग भी खुले करके गाड़ी चलाएं, क्योंकि तुम तो बेटा सही जाओगे लेकिन सामने वाला कोई आ गया ना तो क्या बोले कहाँ लेके जाएगा। और अभी जैसे उतरते टाइम पे होता है ना स्पीड तेज होती है गाड़ी बिना ब्रेक के, और देखो हमारा अन्ना कैसे बाहर आगे आगे जा रहा है, रेलम पे रेलम पे, आज इसमें ना लगे भाई ब्रेक कतई, ये तो कह रहा है कि भाई मैं सीधे दिल्ली जा करके ही लैंड करूंगा बुलेट को। हम भी कोई बात नहीं, छोटा भाई आगे आगे बड़े भाई पीछे पीछे कर रहे हैं भाई का पीछा, क्योंकि भाई तो भाई ने तो वो चला रखी है ना क्या नाम है KTM थी भाई के पास में इसके, तो भाई को वो लीन करने की आदत है, अपन है क्या बोले क्या बोलते क्रूजर राइडर, आराम आराम से चलाने वाले, भाई चला रहा है बुलेट को और बिल्कुल क्या बोलते हैं Formula 1 वाले ट्रैक की तरह से जुप जाप जूम, बट अपने को कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से भाई आराम आराम से, गुच्छी नहीं खानी क्योंकि फर्स्ट टाइम है, कोट फाड़ के नहीं आना, सही सलामत पहुंचने का। चलो देखो ये गई ना गाड़ी अभी सामने से, ऐसे बहुत सारे अनाड़ी मिलेंगे तो हॉर्न देते चलो बीन बजाते हुए चलो ताकि तुम भी सुरक्षित रहो सामने वाले भी सुरक्षित रहे। अय्या चलो 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 चलो, चलो। लो जी अपन आ गए हैं पहाड़ों से उतर के, थोड़ा सा नहीं, अब आएंगे थोड़ी सी इंटरनल रोड, यहाँ से सीधे हाईवे को हम टच करेंगे, अभी देखते हैं हाईवे कितनी दूर है। तो यहाँ से हम टच करेंगे तो अभी दो रास्ते हैं, पहला रास्ता हमारा यमुना यमुना नगर आया लोनी रोडों से जो मुझे कन्वीनियंट पड़ेगा, और दूसरा अपना एज यूजल पुराना रोड रास्ता क्या बोलते हैं जो अपना करदान वाला रास्ता है जिससे हम होके आए हैं, तो अभी दोनों में से जो कंफर्टेबल लगेगा वो देखते हैं। अभी पहले हाईवे टच करें, पहली प्रायोरिटी तो भाई अभी हम सुबह सुबह निकले थे तो इसलिए हमने कहीं जलपान भी नहीं करा है, तो कहीं व्यवस्था होगी रास्ते में तो जलपान करते हुए फिर निकलेंगे, उसके बाद फिर चौक क्या बोलते हैं उसके बाद चलेंगे टॉपा टॉप अपन फुल रफ्तार में, बीच में मन करेगा तो लंच कर लेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं घर जाके कर देंगे, क्योंकि रास्ता लंबा है स्पेशली मेरे लिए क्योंकि मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है, बट लास्ट टाइम नहीं, अपन ट्राई करते रहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो कीप रॉकिंग कीप एंजॉयिंग द वीडियो। और अभी पहुंचते देखते हैं कहाँ मिलता है अपने आपको थोड़ा सा ठोर ठिकाना जहाँ थोड़ा रेस्ट कर सकें 5-10 मिनट, क्योंकि पहाड़ों की जो चढ़ाई उतराई है उसने थोड़ा सा थका दिया है, अभी एक सुटेबल पॉइंट देखेंगे वहाँ बैठेंगे थोड़ा ही 2-4 मिनट गपशप मारेंगे एंड देन फिर दोबारा से आगे के लिए क्या बोले दोबारा से बढ़ चलेंगे। चलो देखते हैं कितनी दूर तक, अभी शेखर का तो अता पता नहीं है आजू बाजू, भाई स्पीड में भगाए जा रहे हैं, उसको या तो कॉल करनी पड़ेगी भैया जी रुको हम भी हैं तुम्हारे साथ में पीछे पीछे, तो ऐसा नहीं है क्योंकि जी लोकेशन तो हमने अपने फोन पे लगा रखी है, पता चला भाई कहीं और दूसरी दुनिया में मुड़ गया तो उनका भी ध्यान रखना रहे, बाकी आगे इधर उधर होगा ज्यादा दूर होगा तो हम कॉल कर लेंगे बुला लेंगे भाई को वापस। चलो देखते हैं और करते हैं भागम भाग क्या बोलते हैं रेड रेस, यस रेड रेस, फिर कहीं ठिकाने लगाते तो फिर मिलते हैं एक बार और गपशप करते हैं।
लो भाई अपन पहुंच गए हैं अम्बाला, जो हमने लास्ट टाइम फोटो शूट करा था। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे, देखते हैं करनाल वाली हवेली पे रुकेंगे, नहीं तो मुरथल रुकेंगे अगर नीड हुई तो। नहीं तो आज भाई हमसे आगे आगे, हम उसके पीछे पीछे, आज कोई फोटो शूट का उसको लग रहा है मूड है नहीं। चलते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बाकी अपनी भी बैंड बजी पड़ी है क्योंकि आदत तो है नहीं। अभी तो करनाल पहुंचे हैं, सॉरी अम्बाला पहुंचे हैं, करनाल पहुंचने में भी टाइम है। अब दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, मे बी मे टेक टेक सम टाइम बट वी रीच यू एज सुन एज पॉसिबल विद एंजॉइंग द रोड मैप्स। यहाँ से हम आराम आराम से चला रहे हैं, थोड़ी सी जगह खुली खाली मिलेंगी तो अपन घुमा लेंगे इसको भी। चलो चलते हैं दोस्तों, बम का तो बैंड बाजा बज चुका है। ऐसे में आवाज भी नहीं निकल रही ताकि बकर कर सके। अब तो ये लग रहा है, कहते जितना जाने में एक्साइटमेंट था उतना आने में ऐसा लग रहा है कि अभी क्या है, कब क्या सकता होगा घर पहुंचेंगे। काहे कि अपने को सुबह ऑफिस भी ज्वाइन करने के रहेगा। यही होती है नौकरी पेशा बंदे की लाइफ, स्ट्रगल एंजॉयमेंट एंड सो एंड सो। कीप वॉचिंग, अभी पहुंचते हैं, देखते हैं अगला ठोर ठिकाना कहाँ मिलेगा। ऐसे रुकते रुकते हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है पहले जैसे, मतलब कल वाला सीन नहीं है कि फोटो सेशन करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फोटो खींच लिए अपने। अब तो बस भाई उस शेखर को कर दिया हमने वहां से अलविदा, बाईपास से मुरथल से, और वहां से हम सीधे दिल्ली में सीधे घुसने के लिए हम मुड़ी आए कहाँ पे, ईस्टर्न पेरिफेरल होते हुए अपने लोनी रोड पे। काहे कि वो सीधा रास्ता है, इस बार इधर की भी थोड़ी जांच पड़ताल कर दी जाए क्या रोड है, क्योंकि बहुत से लोगों ने वीडियो डाली हुई थी बढ़िया रास्ता है सीधा रास्ता, बट अभी जो मैं देख रहा हूँ ये तो भाई बछड़खाना बछड़ रहा है। काहे कि इस पे बन रहा है एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, दिल्ली देहरादून वाला रोड जो एक्सप्रेस वे जाएगा यहीं से होके जाएगा, तो पता नहीं कहाँ तक मिट्टी का जंजाल मिलेगा। हम तो सोच रहे कि यह रास्ता क्लियर मिलेगा तो अपन टॉप ऑन टॉप जाएगा, बट यहाँ तो उल्टी सी उल्टी गंगा बह गई। जहाँ साला जल्दी पहुँचने का था अभी लेट होगा, और लेट में भी सवा लेट इसलिए होगा क्योंकि रास्ता है खराब और आगे बहुत सारा जो मिलेगा जाम, क्योंकि अभी तो ये है सुमड़ी में है क्योंकि ये स्टार्टिंग है। जब भी अभी अपन लोनी के आसपास पहुंचेंगे ना भाई, बैंड बजने वाली है, टिपिकल बैंड बजने वाली है, कैन नॉट बी सेड, क्योंकि मैं अभी से अजीम कर रहा हूँ। अभी रास्ते का ये हाल है क्योंकि अभी तो हाईवे यहाँ से ये चालू हुआ है और आगे आगे तो पता नहीं क्या ही रहेगा। आज तो सही भोकाल बना दिया, भोकाल बोले तो कल हम भोकाल मचा रहे थे, आज ये क्या बोलते बुलडोजर बाबा और फिर क्या बोलते कंस्ट्रक्शन साइट्स ने हमारी बैंड बजा रखी। जहाँ देखो साला वहीं खोद रखा है, जहाँ देखो देखो वहीं खोद रखा है। हम सोचे थे उस वाले रास्ते पे जो अपना कुंडली वाला है वहाँ ज़्यादा खोच हो रही हुई तो यहाँ साफ मिलेगा, बट यहाँ तो भाई कोई थार वार दिया हो और कर दो ऑफ रोडिंग, सारे सपने पूरे हो जाएंगे यहाँ पे विद इन द 5 to 10 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर भी शायद मे भी नहीं होगा, बट जो भी है मज़ा आएगा बंदे को, बाकी के लिए तो सजा ही है। अभी देखते हैं सजा कहाँ तक बरकरार रहती है, लेट्स सी। अरे
लो दोस्तों, थक हार करके गिर पड़ करके अपन पहुंच गए हैं घर, और करते हैं ब्लॉक का एंड, मिलते हैं।